मैं कमिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, कंफर्टेबल है? यस। आप अपने बारे में बताइए। सर, मैंने 10th और 12th की पढ़ाई बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया है। मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से ज्योग्राफी विषय में किया है। सर, मेरा हॉबी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से संबंधित किताबों को पढ़ना है। और सर, मेरा BPSC में यह पहला अटेम्प्ट है। तो ये किस टाइप के बुक्स आपने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से बुक्स आपने पढ़ी है अभी? सर, मैंने हाल ही में इकिगाई पुस्तक पढ़ी है। उसके पहले मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी थी। उसके बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, PTC। ठीक है, आपने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी पढ़ा है आपने? Yes, क्या है मैसेज उसमें? सर, इसको रॉबिन शर्मा जी ने लिखा है। इसमें बेसिकली जो कॉरपोरेट लाइफ है, उसके लॉयर जूनियर मेंटल हैं, वो जैसे मनी तो बहुत बनाए हैं लेकिन वो लाइफ में खुश नहीं है। तो इसको लेकर सर कि लाइफ में कैसे हेल्दी रहना है और दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी को कंपैशन ये सब डेवलप करने के लिए सर। नहीं नहीं, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, आप कुछ ऐसा कुछ खास बताइए जो उस बुक पे है। सर, जैसे जूनियर मेंटल इंडिया आते हैं, हिमालय में जाते हैं और हिमालय में उनको योगी से शिक्षा मिलती है। नहीं नहीं, कहानी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लिंक है डायरेक्टली। यस सर, उसमें एक फेबल के माध्यम से 7 चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला एक गार्डन की बात वो करते हैं। कहानी नहीं चाहिए सर, बता रहे हैं सर। गार्डन को वो माइंड से कंपेयर किए हैं कि जिस तरह से माली गार्डन को हमेशा देख रेख करता है और उसमें अगर कोई घास उत्पन्न हो जाते तो उसको निकालता है, उसी तरह से हमारा माइंड है, हमको कंस्टेंटली सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा निगेटिव थाट्स को निकालने चाहिए। सर ये है। दूसरा सर, उसमें लाइट हाउस की बात किए हैं। लाइट हाउस का मतलब हमें लाइफ में हमेशा एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए, हमें गोल्स सेट करने की प्राइमेसी को बताए हैं। तीसरा सर, एक सुमो रेस्टर के द्वारा उन्होंने काइजन प्रिंसिपल की बात की है कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए सर, इस तरह से। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि सेल्फ अफर्मेशन, ये क्या होता है सेल्फ अफर्मेशन, मतलब क्या हम लोग करेंगे? सर, सेल्फ अफर्मेशन का मतलब बेसिकली कुछ ऐसे सेंटेंसेस खुद से कहना जो पावरफुल सेंटेंसेस हों और हमारे थॉट्स को शेप करने के लिए वो यूजफुल हों। जैसे एग्जांपल कोई अफर्मेशन, जैसे सर कह सकते हैं कि I have cleared BPSC। यस सर, ये भी एक सिविल सर्वेंट ऐसा है? सर, कुछ कुछ ऐसा ही है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं बोलता रहता हूँ कि आई एम ए सिविल सर्वेंट, आई हैव क्लियर्ड BPSC, तो इससे क्या होगा, हो जाएगा सिलेक्शन? सर, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, बट कुछ हद तक एक मेंटल क्लैरिटी आ सकती है, हमारा एटीट्यूड और थॉट प्रोसेस उस तरह से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमको पढ़ने के लिए ज़्यादा मतलब हम उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव। मेरा कहना, आप कहने का मतलब, आप ग्रेजुएट नहीं है मान लीजिए। यस सर। ठीक है ना, आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। यस। और आप कह रहे हैं कि आई हैव क्लियर्ड सिविल सर्विस, आई हैव क्लियर्ड BPSC। यस। क्या होगा इससे? ये अफर्मेशन से तो है। यस। सेल्फ अफर्मेशन है। यस। तो ये कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है? सेल्फ अफर्मेशन हम तब करते हैं जब हमको वो चीज़ नियर फ्यूचर में करना हो। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि आई हैव क्लियर्ड सिविल सर्विसेज, तो ये हमको तब बोलना है जब अगर हम प्रिपरेशन फेज में हैं, तब बोल सकते हैं। सर, इससे एग्ज़ाम निकलने की कोई गारंटी नहीं होती है, बट थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी के लेवल पे कुछ हेल्प मिल सकती है, उससे ज़्यादा सर काम तो करना ही होगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सर एक थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा क्लैरिटी आने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, एटॉमिक हैबिट्स में ऐसा कुछ बोला गया है कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका हैबिट फॉर्म होगा या नहीं होगा, ऐसा कौन सा शब्द है वहाँ पे यूज़ किया गया है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या पढ़ा आपने एटॉमिक हैबिट्स में? सर, एटॉमिक हैबिट्स में बेसिकली जो जेम्स क्लियर हैं वो बताते हैं कि छोटे छोटे आदतों से हम बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। दूसरा सर, वो गोल सेटिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करने की बात करते हैं। और तीसरा वो, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि कई लोग होते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर न्यू ईयर उसमें रेजोल्यूशन बनाते हैं। यस सर। कि हम लोग जिम में जाएंगे, है ना, फिजिकली फिट रहेंगे। यस। और फिर 2 दिन बाद फिर वो भूल जाते हैं। यस सर। तो एटॉमिक हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कहाँ पे वो गलतियाँ हैं। सर, जैसे कि जो दूसरा प्रिंसिपल मैंने कहा कि गोल सेटिंग हमें डायरेक्शन के लिए तो सही है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर हम प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हैं,
तो सर वो गोल हम अचीव नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या करेगा वो इंडिविजुअल जिसने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया, अब एटॉमिक हैबिट्स आपने पढ़ लिया, उसको क्या सजेशन देंगे? सर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फिट होने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है, सर एटॉमिक हैबिट के अनुसार गोल आपने बना लिया कि आपको फिट होना है, लेकिन आपको सिस्टम पे काम करने के लिए घर में जैसे क्यू उसमें बात की गई है कि हमें फ़ोन पे फिटनेस ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, घर में ट्रेडमिल ला सकते हैं या पार्क में जिम में कोई मेंबरशिप ले सकते हैं, मतलब हमको ऐसे प्रोसेस से बांध देना है खुद को कि हम उस हैबिट को जो भी फिटनेस के लिए रिक्वायर्ड हैबिट्स है हम रेगुलर करें, रेगुलर बेसिस पे उसको करें। तो सर ये सब है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, मान लीजिए मैं गिटार बजाता हूँ, ठीक है ना, आज मैंने गिटार बजाया मॉर्निंग में, उसके बाद मैं गिटार को गिटार का जो कवर है कवर में डाल के कोने में रख दिया, अब बताइए मैंने काम सही किया है? शाम को जाके बताऊंगा, फिर बजाऊंगा मैं इस गिटार को। सर जैसे आपने अगर अपने रूम में कोने में रखा हुआ है जिससे वो दिख रहा है आपको, तो यहाँ एटॉमिक हैबिट के अनुसार क्यू जो संकेत है वो आपको मिलेगा, आपको गिटार दिखेगा, तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि आप गिटार बजाएंगे। अगर उसको आप कहीं साइड में रख देंगे जहाँ से आपको ना दिखे तो कम संभावना है कि आप उसको बजाएंगे। लेकिन अगर मैंने जैसे मैंने उसको कवर के अंदर डाला है, गलती मिस्टेक तो है वहाँ पे? सर क्यू थोड़ा सा वहाँ पे वीक होगा, वीक हो जाएगा। कहाँ पे रखना चाहिए था? बेड के ऊपर? बेड के ऊपर नहीं, जैसे बगल में बहुत टांग देते हैं, लेकिन उसको सर चूँकि कवर में ही रखना होता है तो आप कवर में ही रखना चाहिए। अच्छा ओके, थैंक यू सर। काश ज्योग्राफी आपका बैकग्राउंड है। यस सर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्योग्राफी से क्या क्या बेनिफिट्स आप बिहार सिविल सर्विसेज में लेके आएंगे? सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैं अगर मान लीजिए ज़िला में मैं अगर पोस्टेड हूँ तो वहाँ मैं ज़िले की मैपिंग कर सकता हूँ, जिससे अगर वहाँ अगर लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं मैं पता लगा सकता हूँ, अगर कहीं पर ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है तो मैं पता लगा सकता हूँ मैपिंग के द्वारा। सर पहला ये है। दूसरा सर बिहार में डिजास्टर का बहुत बड़ा इशू है, तो सर हजार्ड मैपिंग किया जा सकता है और सर प्रिपेयर्डनेस के तरफ स्टेप लिया जा सकता ज्योग्राफी की मदद से। तीसरा सर अर्बन प्लानिंग में भी ज्योग्राफी का रोल हो सकता है। सर ठीक है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार एजुकेशन सर्विस, इसमें क्या रोल रहेगा ज्योग्राफी का? सर बिहार एजुकेशन सर्विस में पहला कि जैसे आदर्श विद्यालय का कंसेप्ट आता है तो हम ये मैपिंग में कर सकते हैं कि कौन से एरिया पे किन किन एरियाज में आदर्श विद्यालय एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए जिससे वो ज़्यादातर एरिया को सर्व कर सके। दूसरा सर बच्चों में ज्योग्राफी के नॉलेज को लेकर खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट के एजुकेशन को हम डाल सकते हैं। और सर ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है जिसमें चूँकि स्टूडेंट्स को मून कैसे फॉर्म होते हैं तारों के देख के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो एजुकेशन लेवल में इसको इंक्लूड करके हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जिससे हो सकता है कि ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आए। सर इसरो कब बना था? सर इसरो अगर मैं सही हूँ तो 1969 में सर बना था, मैं श्योर नहीं हूँ। और उस टाइम पे यही नाम था उसका या कुछ और नाम था? सर 1962 में वो दूसरे नाम से था, इंडियन स्पेस एजेंसी, सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1969 में इसरो का जो वर्तमान नाम है वो आया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है इसरो? सर इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है जो पीएमओ के अंदर काम करता है। और अभी तक मुझे दो चार ऐसे मिशंस के बारे में बताएंगे आप इसरो के जिसको कि आप माइलस्टोन कह सकते हैं? यस सर, हाल ही में आदित्य L1 लॉन्च हुआ, अभी एक माइलस्टोन है, उसके पहले चंद्रयान 3। कैसे कह सकते हैं कि ये माइलस्टोन है? सर क्योंकि सूर्य के अध्ययन के लिए ये इंडिया का पहला मिशन था जिसे बहुत कम देशों ने अचीव किया है और लैग्रेंज पॉइंट पे इसको सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा है, इसलिए सर। तो क्या वहाँ पे इसे स्थापित कर दिया गया है? नो सर, अभी वहाँ पे सर इसी महीने में जनवरी में ही एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या है L1 पॉइंट? सर लैग्रेंज पॉइंट सर क्या होते हैं? यस सर, सर अर्थ एंड सन के बीच में ऐसा एरिया जहाँ ग्रेविटेशन एक दूसरे का ग्रेविटेशन बैलेंस कर देता है उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं? ऐसे सर 4 पॉइंट्स। चार ही हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, 4 या 5। और ये नाम क्यों पड़ा लैग्रेंज? सॉरी सर। और उन सारे में से ये 1 को ही क्यों चुना गया?
सॉरी सर। चलिए, और दूसरा कोई और अचीवमेंट्स कुछ आप बताएं? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को आप अचीवमेंट मानते हैं क्यों? यस सर। सर क्योंकि इंडिया मैं श्योर नहीं सर, फोर्थ कंट्री है जो चांद पे, वो भी साउथ पोल पे फर्स्ट पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री है चंद्रमा के साउथ पोल पे, इसलिए सर वो अचीवमेंट। अच्छा अच्छा। और सर अभी गगनयान तो लॉन्च नहीं हुआ है सर, उसके पहले चंद्रयान 1 को भी हम मान सकते हैं। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? सर चंद्रयान 1 2008 में सर। उसकी क्या अचीवमेंट रही? सर वो एक सिर्फ उसमें ऑर्बिटर भेजा गया था जो चांद का चक्कर लगाया, उसने सर वाटर की खोज की थी चांद चांद पे। साउथ पोल पे लैंडिंग की आप बात कर रहे थे, यस, क्यों इतना चैलेंजिंग है साउथ पोल पे लैंड करना? सॉरी सर मैं इस, मुझे और देखना होगा इसको। क्रेटर्स क्या होते हैं? सर क्रेटर्स चांद पे कहीं भी क्रेटर अर्थ पे भी है। यस सर। सर क्रेटर्स अर्थ सरफेस या किसी भी सरफेस पे वो गड्ढे होते हैं जहाँ सनलाइट उसमें रीच नहीं कर पाता। क्रेटर्स में सनलाइट रीच नहीं कर पाता सर, चंद्रमा पे तो नहीं करता है, अर्थ पे सर जैसे वोल्केनो से क्रेटर बनते हैं सर। वोल्केनो से क्रेटर बन, और किसी चीज़ से क्रेटर बन सकता है? यस सर। कैसे? सर मीटियोराइट अर्थ पे जब गिरता है तो उससे भी क्रेटर बन सकते हैं। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? सर जब जियोग्राफी किसी रीजन के पॉलिटिक्स को डिटरमिन करे उसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं सर। तो आप इस रिस्पेक्ट में मुझे बताएंगे कि इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो US के जियो पॉलिटिक्स से कैसे डिफरेंट है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर आप कहें तो मैं कुछ गेस करना। अभी अभी आपने कहा ज्योग्राफी जब पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करता है, यस, तो आप इसको बोल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं इस बारे में? यस सर। यस सर। इंडिया इंडियन ओशियन में सिचुएटेड कंट्री है जो चाइना के पास में है, चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर शेयर करता है, और USA पैसिफिक ओशियन के और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार सर इंडिया को हम कह सकते हैं कि चाइना के ज़्यादा करीब होने से इंडिया को एक लेवरेज है, और सर साउथ चाइना सी के भी पास में है इंडिया, और साउथ ईस्ट एशिया के भी पास में है सर। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारा या ड्रॉबैक है सर एज कम्पेयर टू US जियोपॉलिटिक्स? सॉरी सर मैं इस पर उतना श्योर नहीं। ओके सर। ये आप सिर्फ इंग्लिश बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ते हैं कि कुछ और पढ़ते हैं? सर सिर्फ मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। हिंदी बुक्स में नहीं है सर? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद हिंदी में नहीं कहा गया है? सर है, हिंदी में भी है सर। क्या है सर? हिंदी में जैसे हमारे यहाँ माइथोलॉजी में भी बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड है, जैसे गीता में भी है सर, और भी सर हिंदी में जैसे अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। ये दो को वचन क्या है 18 पुराण में, जिसका सार है दो ही वर्ड में बोल दिए कि यही 18 पुराण का सार यही है, क्या है वो सार? सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, इलियाड किसने लिखा है? सर इलियाड अगर मैं सही हूँ तो होमर ने लिखा है। ओडिसी? सॉरी सर। इलियाड को इंग्लिश में किसने, किस भाषा में इलियाड है? सॉरी सर आइडिया नहीं है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था? सॉरी सर। कन्फेशन ऑफ ठग किसने लिखा है? सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा। कन्फेशन ऑफ लवर? सॉरी सर। कोई इंडियन राइटर हैं? इंडियन राइटर बहुत मशहूर, बताइए क्लू दिए इसमें। सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ी। जीव का करेक्टर किसने क्रिएट किया है इंग्लिश में? ह्यूमरस राइटिंग करते हैं वो इंडिया में? नहीं नहीं, जीव का करेक्टर इंग्लिश में किसने क्रिएट किया है? सॉरी सर मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ही मैं पढ़ना शुरू किया हूँ। अच्छा, कुछ साहित्यिक चाहे रोमांटिक ये सब इंग्लिश में नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है? सर नहीं पता सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स आपको बताना है, टैक्स रेवेन्यू में, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, अदर रेवेन्यू में, तीनों को अलग बताइए।
सर टैक्स रेवेन्यू में पर्सनल इनकम पर्सनल टैक्स का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स। पर्सनल मीन्स सर जो इंडिविजुअल के अर्निंग पे डायरेक्ट लगाए जाते हैं, जो 5 लाख से ज़्यादा के अर्निंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, उसको इनकम टैक्स। यस सर, इनकम। अच्छा, चलिए। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जीएसटी का है सर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। और सर नॉन टैक्स रिवेन्यू में स्टाम्प ड्यूटीज़ और ये सब लगते हैं सर। सर ये प्रॉपर्टी इस सब के बारे में रहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म होता है, कैपिटल गेन होता है, ये सब। यस सर, ये सर नॉन टैक्स में आता है। नॉन टैक्स में आएगा सर। नॉन टैक्स में है। यस सर। आपने ज्योग्राफी, अच्छा ये बताइए कि बिहार में कौन कौन सा एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया में रखा है? सर साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉट प्रोन एरिया में कौन कौन एरिया है? सर मगध क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, नवादा का एरिया, जमुई, मुंगेर, बांका, ये सब एरिया। और कैमूर, सासाराम सब नहीं? यस सर, कैमूर एरिया। उन एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐड देती है स्कीम चलाने के लिए, और स्टेट भी लगाता है, तो क्या उस स्कीम में परसेंटेज क्या रहता है दोनों का, कितना कितना परसेंट कौन लगाता है? सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया सर। अच्छा, ये आपका बिहार में गंगा नदी बक्सर में इंटर करती है। यस। कहलगांव के पास निकल जाती है। यस। इस पर कौन कौन से पुल बना हुआ है, उसका नाम क्या है पुलों का? सर वर्तमान में 7 पुल ऑपरेशनल हैं, जिसमें एक जेपी पुल है। एक तरफ से चलिए, एक तरफ से बक्सर का नाम सर नहीं बता पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक तरफ से चलिए, बीच में इंटर मत कीजिए, एक तरफ से चल के लास्ट सर चले जाइए। सर सातों पुल का नाम मुझे नहीं पता है सर, तीन चार ही नाम। अच्छा बताइए जो। सर एक जेपी सेतु है, गांधी सेतु। जेपी सेतु कहाँ पर है? सर जेपी सेतु पटना के पश्चिम में है सर। अच्छा। एक गांधी सेतु, एक राजेंद्र सेतु जो मोकामा के पास है, और सर सर इतना ही। भोजपुर में है कोई? यस सर, भोजपुर में भी है। कौन सा सेतु है? सर एक कुंवर सेतु, सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, सोन नदी पे कौन कौन सेतु है? सॉरी सर। आप फ्लड एरिया, फ्लड जहाँ आता है वहाँ पर पोस्टिंग किया गया आपको। यस। तो दो तैयारी आपको बताना है, फ्लड आने से पहले का, फ्लड आने के बाद का, क्या क्या तैयारी कीजिएगा? सर प्रिपेयरनेस लेवल पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करा सकते हैं जिससे हम फ्लड के टाइम में मैसेज भेज सकते हैं। और सर फ्लड के टाइम में हम वहाँ पे प्रिपेयरनेस लेवल पंचायत का मदद लेके और वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके सर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट कह रही है कि हम सामान देंगे, आपको एक किट बनाना है बोरा में बांटने के लिए फ्लड अफेक्टेड एरिया में आदमी सबको, सामान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। yes. आप उस किट में क्या क्या चीज़ रखिएगा? सर एक टेंट रख सकते हैं। एक बोरा में एक टेंट रख दीजिएगा छोटा, और फिर क्या छोटा क्या? तो एक ही बोरा दिया है आपको। yes. तो टेंट रख दीजिएगा तो सामान कहाँ और रखिएगा? yes, सर फूड आइटम्स रख सकते हैं, पैकेट फूड आइटम्स, मेडिसिन रख सकते हैं, और सर ये दो चीज़ रख सकते हैं। बस दो चीज़ से कम चल जाएगा? और सर वाटर रख सकते हैं उसमें, पीने का पानी। यस सर। और कुछ? सर ये तीन मेजर चीज़ अभी मैं याद। ठीक, ओके, थैंक यू। काश कैसे गया आपका? सर कुछ और वर्क करना पड़ेगा। कहाँ पे? सर हॉबी में मुझे जैसे नए बुक्स सर ने बताया मुझे नहीं आ रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हॉबी में ना ये जो आपने सेल्फ में कोई एक बुक मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना और उसको मतलब 2-4 सेंटेंस में आप बोल पाए उस बुक में जो मेजर जो जिसको पढ़ने से पर्सनालिटी में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। यस। वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि वहाँ पे स्टोरी तो सुनेंगे नहीं वो लोग। सर मैंने 3-4 पॉइंट रेडी करके रखे थे, मुझे लगा कि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। हाँ मतलब एकदम स्ट्रेट पॉइंट आपको देना है। यस।
कि कहानी तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए वो जरा तैयार कर लेना आप, है ना। बाकी तो ठीक है, आपने 3-4 किताबों का नाम लिया है, वो सब ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बस ज्योग्राफी थोड़ा सा, क्योंकि आपका आज ग्रेजुएशन में भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी है, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सर ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए मुझे लगता, पिछले बार अभी नहीं, अभी सर ने पूछा था क्रिएटर का जो है, आप तो कुछ और बोल रहे थे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ के वो निकालना पड़ा आंसर। सर मैं सन से सॉरी मून से मैंने उसको एसोसिएट कर लिया बाद में, उसमें भी आप जो बोला, फिर उसमें 2-3 क्वेश्चन सर अब पूछा, फिर आपने धीरे धीरे करके आंसर को अनफोल्ड किया है, प्लस और बेटर प्रिपरेशन से, ठीक है। ओवरऑल यू आर ए गुड स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सर।